आमे वर्तमान ए जटणी ब्लॉक जो बुडांगार आ पांड्याबिली गाँवर जोगाजोग विच्छिन्न होइछि आमे ए डंगारे वर्तमान ए दया नदी रे यात्रा करछु आपणको भिडियोग्राम को अनुरोध करी दृश्य देखा ये होची दया नदी जो दया नदी रे लघुचाप जनित लगाण वर्षा रे जो पांड्याबिली आ बुडांगार गाँव को अस्थायी रास्ता होता ता धोई जाइतला फल दुई गोटी गाँ संपूर्ण बाह्य जगत रु विच्छिन्न हो जाइछि सेतिपाई सरकारी सरकारी स्तर में आज चेता बसी आ सरकार स्तर में बीजेपी दल नेता माने आज बारंबार अभियोग पर आज सरकार को निदा भांगी आ स्थायी समाधान तो करें ना अस्थायी डंगा खंड देती लघुचाप जनित जो बारंबार वर्षे चारि मस जोगाजोग विच्छिन्न होगाजोग स्थापन करने लोक मैंने किपर भाव यही नदीकूल से नदीकूल जी जे कूल ए बुढ़ांगार आ पांड्याबिली गाँ संपूर्ण जटणी बजार उपर निर्भर करतायात गमनागमन सुविधा हो पार किंतु मुख्य प्रसंग रोचे ए डंगा को नहीं जटणी निर्वाचन मंडली क्षेत्र में राजनीति बे सरगरम हो उठी प्रथम तो बीजेडी डंगा नहीं अनेक चर्चा होता आ सोशल मीडिया ठूँ आरंभ करी तीन प्रमुख दल मैंने यहाँ एक राजनैतिक प्रसंग कर सोशल मीडिया ठूँ आरंभ कर प्रमुख गणमाध्यम ये खबर प्रकाश होती ए डंगा जो होती सरकारी स्तर में आज ए डंगा को प्रदान कराफल जो चारि मस वर्षा लघुचाप जनित वर्षा कहतु वर्षा दिने संपूर्ण जोगाजोग विच्छिन्न होता तार किसी संपर्क सेतु स्थापन कर सरकार तो स्थायी समाधान करना कि सरकार बहु विलंब आज निद भांगी आ डंगा खंडे ए ग्रामवासी को जोगाई देखते सीएस लोक आलोचना करवा जटणी बीजेपी विधायक प्रार्थी विश्वरंजन बर्जन अच्छा लुलु भाई स्वागत करेंगे अर्गस न्यूज को कौन कहे संपूर्ण बाह्य जगतर विच्छिन्न हो सरकार बर्तमान स्थायी समाधान कर पारना वास्तविक बहुत दुखर सहित मत कहवा पड़ू पांड्याबिली जोरकणी जटणी निर्वाचन मंडली अंतर्गत गोटे छोटिया गाँटे यही गाँ को लग पखापाखि पचास टी गाँ संलग्न हो राजधानी ठारू भुवनेश्वर ठारू 22 किलोमीटर दूर रे ए पंचायत अवस्थित 22 वर्ष धरी गोटे स्थिर सरकार बीजेडी सरकार ये शासन कला कौन पाई मत दुखर विषय जे कौन पाई एपर्यंत सरकार आखि निद फिटुनी जे वर्ष को चारि मास से माने पानी घेर रोचा छोट छोट पिला माने स्कूल जावाई वंचित होती लोक माने नित्य व्यवहार जो जिनस आई जापारे ना एवं इमरजेन्सी टाइम रे कार मेडिकल केसेस हेले कौन सी व्यवस्था नहीं तो प्रतिवर्ष अस्थायी भावे डंगार व्यवस्था सरकार करते कौन सी स्थायी व्यवस्था करा जाए ना बारंबार अभियोग कलापर भी एपर्यंत 15-20 दिन है पाणी घेर भितर लोक मैंने अच्छा प्रशासन शुणिला ना तरबरिया भाव आपड़ देखिथे कि दिन तले दि चार दिन पूर्वे गोटे निर्दिष्ट दलर किसी नेता मैंने आनी गोटे डंगा को ये देखेले ठीक अच्छे राजनीति करार अर्थ हो लोक सेवा करवा ये कौन से मन मनातर आमर ना कि तरबरी भाव में आपड़ आप आडभटाइज करने जो डंगा को आणिक दे तार बास्तविक चित्र आम कल देखलु खाली डंगा हिसाब से बुड़ की रही तो आपर बाहुदी देखापी गोटे डंगा को आवस्था करदे कि जो विपद अवस्था से लोक मैंने पूरा संपूर्ण भाव कहे डंगा जब आम जीव बुड़ी जबार बहुत संभावना अच्छी सरकार निद भांगी सरकार निद भांगी आम कलेक्टर तहसिलदार समस्त को कहला व्यवस्था गोटे डंगा व्यवस्था कर आज ग्रामवासी मैंने बहुत खुशी अच्छा जाऊ ये समय पर हूँ पचे आम डंगा गोटे मिलला कह निश्चित मऊसा कौन कहे देखो तो ये तो आप वर्ष वर्षर समस्या समाधान स्थायी समाधान सरकार करें ना बर्तमान डंगा खंडे बहुत दाबी पर जोगे केमी देखुं आज्ञा देखु आज लुलु बाबू जयंती गले नाटा जे बर्तमान आम आज चलू बर्तमान आज पर्यटन सरपंच किसी भी कही पारे नहीं केते जन को पचारिकी नीला कर गाँटा फटे सारे आरपंच पु मोर आर्तमान से मैंने कौन कहले से जाकि चार जन जा नहाइले आईला आज कणा फटा भंगा आपड़ देखु से ना भल नाई लुलु बाबू कहबारू गोटा भड़ा को आनी आज की पारि हे जत वर्ष रे दुर्ष किस रे सरकार बर्तमान सुधा स्थायी समाधान कर पारा ना सेतु खंडे पारा ना ना सरपंच तो देला नहीं आ सरपंच मेन आम पंचायत सी बर्तमान शुणिले आम गाँ कथा से दि चार जन धरी खेल कले खेल करम अवस्था एमती लुलुबार को आणिकला बर्तमान आम 10-15 दिन आज फेरफार हो कौन कहे आज्ञा ये तो स्थायी समाधान सरकार करें गोटे अस्थायी डंगा व्यवस्था करमी देखु हेलो मोर नाम पांड्याबिली मोर नाम हिन्नबंधु बड़जेना किंतु ये दया राजुआर दोफा भितर आज आम पाणी घेर 50 खंड गाँ हईरा हो
ଫାର୍ଦ ରୋଡ଼ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ହୋଇଥିଲା ସେ ବୁଡ଼ିକିରି ଭାଗିକିରି ଗଲା, ପାଇପ୍ ଫାଇପ୍ ତାଡ଼ି ନେଇଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ରୋଗୀ ବୈରାଗୀ ଲୋକ ବୁଲିକିରି 50 କିଲୋମିଟର ଆସିଲା ବେଳକୁ କ୍ଷତି ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ଆମେ ଆଉ ଇଏ ଉପାୟ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଖଣ୍ଡେ ଭଙ୍ଗା ନାଁ ଦେଲେ ଯେ ସେଥିରେ ଯିବାକୁ ଲୋକ ଭୟ କଲେ। ଲୁଲୁ ବର୍ଜନା ଆସି ଆମକୁ ଆଜି ସ୍ୱାଗତ କରି କିନ୍ତୁ ଗ୍ରାମବାସୀ ବୃନ୍ଦ ସମସ୍ତେ ଆମେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ନାଁ ଖଣ୍ଡିଏ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମେ ପରିଚାଳିତ ହୋଇ ସେଥିରେ ସବୁ ବସିକି ପୂଜା ଧଜା କରୁଛୁ। ଭଲ ମନ୍ଦ ପାଇଁ ଆମ ପାଇଁ ସେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମର କହିବାର ଇଏ ରୋଡ଼ ଟିକିଏ ମଧ୍ୟ ଆମର ଅପରାଜିତା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ଆସିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଡିକ୍ଲାର କରିଛନ୍ତି ଟିଭି ମିଡ଼ିଆ ସବୁ ଆମେ ଡିକ୍ଲାର କରାଯାଇଛି ଶୁଣିଛୁ କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ରିଜ୍ର ସାଙ୍କ୍ସନ୍ ହୋଇଛି 40 କୋଟି ଟଙ୍କା ବୋଲି ଆମେ ପ୍ରମାଣିତ ପାଇଛୁ। କିନ୍ତୁ ୟା ପାଇଁ ଟିକିଏ ଆପଣମାନେ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ସେଯାକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପାଣ୍ଡିଆ ବୋଲି କଥା କୁହନ୍ତୁ। ସମସ୍ତ ଗ୍ରାମବାସୀ ମତବ୍ୟକ୍ତ କରୁଛନ୍ତି ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ସ୍ୱାଧୀନତା ପରଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଏ ଗାଁକୁ ଗୋଟେ ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ କ୍ଷେତ୍ର ସ୍ଥାୟୀ ସେତୁ ଖଣ୍ଡେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ଡଙ୍ଗାକୁ ନେଇକି ରାଜନୀତି ନକରି କିଭଳି ଭାବେ ଏ ଦିଗରେ ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ କରିପାରିବେ ସରକାର, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କର ଅପେକ୍ଷା ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟପଟେ ଏ ଡଙ୍ଗାକୁ ନେଇକି ରାଜନୀତି ନକରିବା ସହ ଏ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ କିଭଳି ଭାବେ ଏହାର ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ ପାଇପାରିବେ, ସେତୁ ଖଣ୍ଡେ ସରକାର କରିପାରିବେ, ତାହା ମଧ୍ୟ ଦାବି ଉପସ୍ଥାନ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଅପେକ୍ଷା ରହିବ କେବେ ସରକାରଙ୍କ ନିଦ ଭାଙ୍ଗୁଛି ଆଉ ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜଟଣୀ ପାଣ୍ଡିଆବିଲିରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ଦିଲୀପ ନାୟକଙ୍କ ସହ ସଂଗ୍ରାମ ମହତାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।